नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम डीसी मोटर का टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर की। तो सबसे पहले डीसी मोटर करता क्या है? ये इलेक्ट्रिकल पावर को, डीसी मोटर को हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, और डीसी मोटर का आउटपुट क्या रहता है? डीसी मोटर का आउटपुट रहता है मैकेनिकल पावर। और ये इलेक्ट्रिकल पावर हम किस फॉर्म में देते हैं? डीसी सप्लाई के फॉर्म में देते हैं, एसी सप्लाई के फॉर्म में नहीं देते हैं। ये आउटपुट क्या देगा? मैकेनिकल पावर। इनपुट क्या लेगा? डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जस्ट अपोजिट हो गया जनरेटर के लिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते थे। और जनरेटर में हमें क्या मिलता था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मिलता था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिलता था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मिल रहा है। मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें कि मोटर कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स डेवलप करेगा, तो ये डेवलप करेगा बी, जहां बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कंडक्टर रोटेट कर रहा है। इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। आई क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर में जितना वो करंट कैरी कर रहा है। और एल क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ है, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल हमें पता चल गया। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर सेम होता है एज डीसी जनरेटर। इनफैक्ट होता है, डीसी मशीन होता है, उसको चाहे आप मोटर की तरह इस्तेमाल कर लें या जनरेटर की तरह कर लें। अब बात आती है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन जिससे हम निकालते हैं वो है क्या? तो ये कहता है कि एक्सटेंड द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी का डायरेक्शन है, और मिडिल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है मिडिल फिंगर दिखाता है, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम एक फिगर बनाएंगे और उससे पता करेंगे कि इस मोटर का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो इसको डिलीट करते हैं। सपोज हमारे पास ये मशीन है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बहुत सारे पोल हैं, दो पोल की बात करते हैं, और ये आर्मेचर है। आर्मेचर में कंडक्टर में सप्लाई नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में गोइंग इनवर्ड है और साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में कमिंग आउटवर्ड है। तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के आर्मेचर के रोटेशन का डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये हमें बताएगा फील्ड का डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल में फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा? पोल से बाहर आता हुआ होगा। और करंट का डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड है, इनवर्ड है करंट का डायरेक्शन। तो मोशन किधर होगा? थंब की ओर। तो थंब की ओर होगा मतलब कि ये आपका पोल का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो ये किसका डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन,
थंब होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब सेम अप्लाई करते हैं साउथ पोल में। साउथ पोल में जो बी है, फील्ड है, वो इनवर्ड होता है और करंट कैसा है, करंट है आउटवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन थंब की ओर होगा, तो डायरेक्शन इसमें इस ओर होगा। अभी हमें टेढ़ा मेढ़ा लगाना पड़ता है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो पाम रूल में जो ऑल फिंगर्स है वो बी का डायरेक्शन होगा और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, और जो पाम का फेस होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है, इनवर्ड है, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहां है, बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन थंब की ओर इधर ही होगा। पाम रूल अब इधर लगाते हैं, पाम रूल इनवर्ड जाएगा, फील्ड साउथ पोल में कहां जाता है, इनवर्ड जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा, थंब की ओर होगा, इस ओर डायरेक्शन होगा। मतलब कि आर्मेचर रोटेट किस तरफ, किस ओर होगा आर्मेचर रोटेट, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से किसी भी गिवन फिगर में हम निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये रोटेशन ऑफ फील्ड नहीं है, ये रोटेशन ऑफ आर्मेचर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटर की, बात करें तो जनरेटर के जैसा ही परमानेंट मैग्नेट मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज मोटर है, संट मोटर है और कंपाउंड मोटर है। इसमें एक्साइटेशन हम सेपरेटली करते हैं, इसमें एक्साइटेशन इस तरह करते हैं कि फील्ड और आर्मेचर सीरीज में होता है, इसमें फील्ड और आर्मेचर पैरेलल में होता है, और ये हम कंपाउंड मोटर की बात कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कौन कंपाउंड मोटर है। हम ये जानते हैं कि ये लॉन्ग शंट है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, और ये क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। अभी बताना है कि क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड कौन सा है और डिफरेंशियली कंपाउंडेड कौन सा है। तो इधर से जब करंट आएगा तो पहले डॉट टू क्वाइल आएगा और फील्ड में भी डॉट टू क्वाइल आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कैसा है, क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड है। क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड लॉन्ग शंट, तो ये हो गया लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड। इसकी बात करें तो इसमें भी सीरीज फील्ड में पहले डॉट टू क्वाइल, शंट फील्ड में भी डॉट टू क्वाइल, तो ये भी है क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर। अब हम बात इसकी करें तो यहां पे सीरीज फील्ड में क्वाइल टू डॉट और शंट फील्ड में डॉट टू क्वाइल उल्टा हो रहा है, मतलब कि ये है डिफरेंशियली कंपाउंडेड। डिफरेंशियली कंपाउंडेड लॉन्ग शंट मोटर ये क्या है, इसमें करंट है क्वाइल टू डॉट, इसमें करंट है डॉट टू क्वाइल, मतलब ये भी डिफरेंशियली कंपाउंडेड है। शॉर्ट शंट, तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया। अभी हम बात करते हैं इक्वेशन की, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज शंट और कंपाउंड मोटर में इक्वेशन की बात करेंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो इसमें हम इक्वेशन देख लेते हैं ताकि हमें सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है और ये डीसी शंट मोटर है, इसका आर्मेचर और इसका फील्ड दोनों पैरेलल में है, इसलिए इसको शंट मोटर बोलते हैं। इसमें एक्साइटेशन एक सेपरेट डीसी सोर्स से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें बाहर से सप्लाई हम दे रहे हैं वोल्टेज वीटी, अब हम बात कर लेते हैं पहले सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का। तो इसमें जो आर्मेचर करंट है वही इसमें लोड करंट भी है, और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वीटी वो कैसे बैलेंस होगा, वो बैलेंस होगा बैक ईएमएफ से। बैक ईएमएफ क्या है इसका कॉन्सेप्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा बैक ईएमएफ। तो अभी के लिए मान के चलते हैं कि ये बैक ईएमएफ जो कि आर्मेचर में डेवलप होता है बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर का रेसिस्टेंस में ड्रॉप होगा वोल्टेज, जो वोल्टेज हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के टर्मिनल पे इनपुट कराएंगे वो वोल्टेज आर्मेचर के बैक ईएमएफ और आर्मेचर के रेसिस्टेंस में बैलेंस होगा। इसका मतलब हुआ कि बैक ईएमएफ कितना हुआ आर्मेचर में, इसका मतलब ये हुआ कि आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ हुआ वो कितना हुआ वीटी माइनस आईएआरए हो गया। अब इसमें इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ आईए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया वीटी इंटू आईए। अब आईए ही तो आईएल है तो ये लिखते हैं आईएल लिखते हैं माइनस आईए स्क्वायर आरए। ये पावर क्या है आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज, आर्मेचर में डेवलप्ड वोल्टेज और आर्मेचर के थ्रू करंट, मतलब ये हो गया पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर डेवलप्ड पावर। ये पावर है एक्चुअली वॉट मैकेनिकल पावर है जिसका इलेक्ट्रिकल फॉर्म हम लिख रहे हैं, ये मैकेनिकल पावर है। ये मोटर के शाफ्ट पे ये पावर अवेलेबल होगा, वो पावर कितना होगा वो पावर होगा जितना हम इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर देंगे माइनस कॉपर लॉस इन आर्मेचर। तो एक तरह से पावर बैलेंस इक्वेशन हमें मिल गया, और किसी भी मोटर में जनरेटर में याद होगा तो ये जनरेटर में जनरेटेड पावर है लेकिन इसमें मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। ये यही पावर वॉट में मैकेनिकल में डेवलप होगा आर्मेचर के शाफ्ट पे। ऑब्वियसली आर्मेचर के शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल होगा इसमें विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस माइनस होगा, लेकिन उसको हम इग्नोर करें तो यही पावर आर्मेचर में मोटर यही पावर डेवलप करेगा। अब हम शंट मोटर की बात कर लेते हैं। तो शंट मोटर में क्या हो रहा है, शंट मोटर में जो लोड करंट है ये हम सप्लाई दे रहे हैं इसको, तो लोड करंट है इज इक्वल टू यहां पे केसीएल लगाएंगे तो आईएल बराबर आईए प्लस आईएफ। इसका मतलब कि आईए बराबर कितना हो गया आईएल माइनस आईएफ, क्लियर। दूसरा हम वीटी लिखें तो वीटी बैक ईएमएफ में बैलेंस हो रहा है प्लस आर्मेचर के रेसिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ईबी कितना हो रहा है वीटी माइनस आईएआरए हो रहा है। अब इसमें दोनों तरफ आईए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हुआ वीटी इंटू आईए हुआ माइनस आईए स्क्वायर आरए। अब आईए कितना है, आईए है आईएल माइनस आईएफ आईए स्क्वायर आरए इज इक्वल टू ईबी आईए इज इक्वल टू वीटी आईएल माइनस वीटी आईएफ माइनस आईए स्क्वायर आरए। इसका मतलब क्या हुआ, आर्मेचर डेवलप्ड पावर, ये मैकेनिकल पावर है जिसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ये वोल्टेज है ये करंट है तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है लेकिन पावर ये मैकेनिकल पावर है इज इक्वल टू इनपुट पावर जो आप इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दे रहे हैं माइनस कॉपर लॉस इन फील्ड
ये फील्ड का कॉपर लॉस है, और यहां पे बात करें तो आईएफ कितना है, आईएफ है टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आरएफ, यदि ये आरएफ होता तो, और ये है कॉपर लॉस इन आर्मेचर। अब हम बाकी के मोटर्स का भी पावर इक्वेशन, वोल्टेज ड्रॉप, करंट इक्वेशन कैसे होगा, सो दैट हम न्यूमेरिकल बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डीसी सीरीज मोटर है, इसका आर्मेचर और सीरीज, इसका फील्ड दोनों सीरीज में है। तो इसमें जो बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, तो जो लोड करंट है वही आर्मेचर करंट है और वही सीरीज फील्ड का करंट है। तो इसके लिए इक्वेशन हम लिखें, बैक ईएमएफ लिखना चाहें तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आईए, ये आईए करंट, आर्मेचर में भी ड्रॉप हो रहा है प्लस सीरीज फील्ड में भी ड्रॉप हो रहा है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी टी माइनस आईए आर ए माइनस आईए आर ए सी। अब हम दोनों तरफ आईए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा वी टी इंटू आईए, अब यही आईए तो आईएल है तो इसको आईएल लिखेंगे, माइनस आईए स्क्वायर आर ए माइनस आईए स्क्वायर, अगेन इसको हम लिखते हैं आईए सी स्क्वायर आर ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर डेवलप्ड पावर, अगेन इट इज अ मैकेनिकल पावर जिसका हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, बराबर क्या होगा, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर डीसी पावर माइनस कॉपर लॉस इन आर्मेचर माइनस कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड। दिस टॉपिक इज सिंपल बट एक बार हम देख लेंगे तो बहुत आसानी होगा। इसका हम बैक ईएमएफ लिखने से पहले करंट का इक्वेशन लिख लें, आईएल इज इक्वल टू आईए प्लस आईएफ है, इसमें आईए ही सीरीज फील्ड करंट है, आईएसी ही है। ईबी लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ईबी ईबी इज इक्वल टू वीटी माइनस आईए आर ए और वही आरएसी, पहले ड्रॉप हो रहा है आरएसी में फिर आर्मेचर में ड्रॉप हो रहा है, प्लस यदि हम वीटी लिखना चाहें तो वीटी तो ऐसे लिख सकते थे, और ईबी लिखना चाहें तो ईबी इज इक्वल टू वीटी माइनस आईए आरए माइनस आईएसी आरएसी, आईए ही आरए है, आईएससी ही आरए है। दोनों तरफ अब आईए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वीटी आईए माइनस आईए स्क्वायर आरए माइनस आईए स्क्वायर को अब हम लिखते हैं आईएससी स्क्वायर आरएससी। अब ये वीटी आईए कितना है, आईए इज इक्वल टू आईएल माइनस आईएफ, आईएल माइनस आईएफ माइनस आईए स्क्वायर आर ए माइनस आईएससी स्क्वायर आर एस सी। वीटी आईएल माइनस वीटी आईएफ आईए स्क्वायर आर ए माइनस आईएससी स्क्वायर आर एस सी, कितना हुआ ये ईबी आईए हुआ। ये क्या है, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, ये क्या है इनपुट पावर, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर जो हम मोटर को दे रहे हैं,
पावर टू डीसी मोटर, इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर टू मोटर, ये क्या है? कॉपर लॉस इन संट फील्ड, ये क्या है? कॉपर लॉस इन आर्मेचर, ये क्या है? कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड। तो इस तरह से हम सिंपली कर सकते हैं। एक और मोटर का हम देख लेते हैं, शॉर्ट शंट का भी देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं डीसी शॉर्ट शंट मोटर को। इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो सीरीज फील्ड करंट है वही लोड करंट है। इधर से वीटी सप्लाई किया हमने वोल्टेज, और करंट सप्लाई किया है आईएल। और हम देखें तो आईएल इज इक्वल टू आईए प्लस आईएफ है। टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन लिखे वीटी इज इक्वल टू, तो वो है आईएससी आरएससी प्लस इसमें सीरीज फील्ड में ड्रॉप प्लस आर्मेचर में ड्रॉप आईएआरए प्लस बैक ईएमएफ। इसका मतलब बैक ईएमएफ कितना हुआ? बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वीटी माइनस आईएससी आरएससी माइनस आईएआरए। अब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे आईए से, तो ये हो जाएगा वीटी इंटू आईए माइनस आईएससी आरएससी इंटू आईए माइनस आईए स्क्वायर आरए। आईए कितना है? आईए है आईएल माइनस आईएफ, वीटी आईएल माइनस आईएफ, आईएससी आरएससी। आईए कितना है? आईएल, जिसको हम आईएससी लिख सकते हैं, माइनस आईए माइनस आईए स्क्वायर आरए इज इक्वल टू वीटी आईएल माइनस वीटी आईएफ माइनस आईएससी स्क्वायर आरएससी माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस आईएससी आईएफ आरएससी, ये तीनों टर्म है माइनस आईए स्क्वायर आरए। वीटी आईएल, अब ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है आईएफ, तो आईएफ को हम कॉमन कर लेते हैं, बचेगा वीटी माइनस आईएससी आरएससी माइनस आईएससी स्क्वायर आरएससी, ये टर्म माइनस आईए स्क्वायर आरए। ये हो गया वीटी आईएल, ये क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज माइनस आईएससी आरएससी सीरीज फील्ड का ड्रॉप, ये तो वीएफ हो गया ना, मतलब कि ये वोल्टेज अक्रॉस फील्ड हो गया, इसको हम आईएफ और वीएफ लिख रहे हैं। दिस इज नॉट वीटी, ये वीएफ है माइनस आईएससी स्क्वायर आरएससी माइनस आईए स्क्वायर आरए, ये हो गया ईबीआईए। तो अब हम बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? हां, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा जिसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में हम लिख रहे हैं। ये क्या है? ये इनपुट पावर हम दे रहे हैं, इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर मोटर को हम दे रहे हैं। ये क्या है? कॉपर लॉस इन शंट फील्ड, ये क्या है? कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड,
ये क्या है? कॉपर लॉस इन आर्मेचर। तो इस तरह से हम अब इतना कुछ जान के हम न्यूमेरिकल बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आगे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखेंगे।